नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अबोंग किचन टेल्स। मैं अर्पिता आज लेके आई हूँ चिकन बर्गर की रेसिपी। ये ना बच्चों की बहुत ही फेवरेट है, और सिर्फ बच्चों को क्यों बल्कि हम सभी के ये फेवरेट है। आज बिल्कुल जूसी चिकन पैटी बनाएंगे, और इसे खाते वक्त आपको कैफे वाली फीलिंग ज़रूर आएंगी। और ये बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बनाएंगे, कोई भी फैंसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले चिकन पैटी बनाएंगे। तो एक पैन में लेंगे 1 टीस्पून तेल, और तेल गर्म होने के बाद इसमें देंगे छोटा सा प्याज जो फाइनली चॉप करना है, और इसे 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। और इसके बाद देंगे चॉप किया हुआ छोटा सा गाजर, और इसे भी फ्राई करना है। तो हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है, मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, बस उसे ही निकलना है। और अब इसके बाद देंगे धनिया की स्टेम, और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब इसमें देंगे चुटकी भर नमक और काली मिर्च पाउडर, और अब थोड़ा सा पानी का छींटा मार के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के पकाना है। तो ये देखिए 2 मिनट बाद ये रेडी है। अब इसे साइड पे रखते हैं, और अब एक बोल में लेंगे 300 ग्राम चिकन कीमा। तो ये चिकन कीमा आप डायरेक्ट मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर आप घर पे मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। और आप ये चिकन के कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं, पर बेस्ट है आप अगर चिकन थाई के पार्ट यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा जूसी बनते हैं। अब देंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक लहसुन, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आप चाहे तो भुना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मेयोनीज। और ये मेयोनीज यूज़ करने से ना चिकन काफ़ी टेंडर बनते हैं। और अब इसमें देंगे 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब, जिसे यूज़ करने से ये बाइंडिंग बहुत अच्छे से आते हैं। और अब ये मिक्स करना है, और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब लास्ट में देंगे फ्राई किया हुआ वेजेस, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें से अब आधा पोर्शन लेंगे, क्योंकि ये 2 पैटी बनाने के लिए मैंने चिकन कीमा यूज़ किया। तो ये आधा पोर्शन लेके पहले आधा पोर्शन लेके पहले एक बॉल बनाएंगे, और अब थोड़ा सा गड्ढा बना के बीच में, ये देखिए, और इसमें देंगे अब चीज़। तो यहाँ 1 टेबलस्पून चीज़ डाला पैटी के साइज़ के अकॉर्डिंग, और ये मोज़रेला चीज़ है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये चारों तरफ जोर के बस हल्का सा प्रेस करने के बाद ये देखिए ये पैटी बन गया है। अब दूसरा पैटी भी बनाएंगे ऐसे ही। और पैटी बनाने के बाद अब तेल गरम करेंगे पैन में, तो तेल मीडियम गरम ही कीजिएगा। और तेल गरम करने के बाद पैटी फ्राई करना है, और अब एक साइड फ्राई करने के बाद दूसरा साइड फ्राई करना है। तो ये देखिए, और ये पैटी ना बिल्कुल 80% ही कुक करना है, 100% कुक मत कीजिएगा। 80% कुक करने के बाद ही ये चिकन टेंडर और जूसी रहेगा, नहीं तो ये हार्ड बन जाएगा। तो पैटी बिल्कुल रेडी है। बर्गर में एक स्पेशल सॉस यूज़ होते हैं, चलिए उसे बनाते हैं। पहले एक बोल में लेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज, ये वेज मेयोनीज है, और इसमें देंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन, 2 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस, 1 टीस्पून हनी। अब अच्छे से इन सारे चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि मेयोनीज़ के कोई भी लंप ना रहे। तो ये रेडी है। अब बर्गर बन सेकना है, तो पैन में 1 टीस्पून बटर गरम करेंगे, और इसके बाद बर्गर बन रखेंगे, और एक ही साइड पे इसे सेकना है अच्छी तरह से, ये देखिए। चलिए सारे चीज़ें रेडी है, अब असेंबल करते हैं। तो पहले बन में लगाएंगे सॉस, फिर देंगे इसमें लेटुस, तो लेटुस नहीं है तो आप पत्ता गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर रखना है चिकन पैटी, इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइस, वैसे ये ऑप्शनल है, आप ज़्यादा चीज़ खाना अगर चाहते हैं तो आप चीज़ स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर देंगे क्यूकम्बर, आप चाहे तो प्याज भी दे सकते हैं,
टोमेटोज़ भी दे सकते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। और अब बन के टॉप पोर्शन में भी सॉस लगा के इसके ऊपर देना है। तो बन गया है आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस चिकन पैटी बर्गर। है ना कितना आसान सा रेसिपी, कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ ना करके बल्कि घर की बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ही आप बहुत ही अच्छा ये बर्गर बना सकते हैं। तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में। वीडियो से रिलेटेड हो या चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो आप शेयर कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं @abongkitchentales, ये है इंस्टाग्राम अकाउंट की यूजर आईडी। आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा, और आने वाले ऐसे बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।